अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यहाँ पे जनाब आज हम दोपहर में क्यूटू से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्यूटू का आज है शावर डे। इसको वीक में एक दफ़ा जो है ना अच्छे से डिटॉल और शैम्पू से मैं नहलाती हूँ। अभी जनाब इसको करते अच्छे से गीला। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ शैम्पू। यहाँ पे मैंने डिटॉल और शैम्पू, बेबी शैम्पू जो होता है वो मैंने डाला है, क्योंकि वो माइल्ड होता है ना, वो आँख में भी चला जाए तो वो उसकी चुभन नहीं होती है, इसलिए हम बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे डिटॉल भी सारा डाल दिया। मेरे अंदर की तरफ जा रहे हो सारे? अंदर घुस गए। ये देखे जी, क्यूटू हमारा नाई नाई करके रेडी हो गए। क्यूटू ने हमारे छींटे भी मोबाइल के ऊपर सारे कर दिए। नहा धो के कितना शाइन कर रहा है माशाल्लाह से। और अब हो गया शाम का टाइम, यानी इसके खेलने का टाइम। और ये किस चीज़ का वेट कर रहा है ये भी आपको पता चल जाता है। ये जनाब आ गए हैं टॉयस। और ये हमारा जो क्यूटू है ना, ये टॉयस का दीवाना है, दीवाना। अब ये दावर के पास जाएगा टॉयस से खेलने के लिए। दावर, टॉयस आ गए हैं, क्यूटू के टॉयस आ गए हैं ना। हाँ, टॉयस से खेलना है। खेलना मेरे बच्चे ने टॉयस से खेलना है। चलो जाओ दावर पास, चले जाओ, जाओ दावर पास। अब ये मुझे कहेगा कि नीचे उतारो, जाना है दावर पास। चलो जाओ, जाओ मेरा बच्चा खेलो जाके। अब इसका पागल हो जाना है कि इसने कोशिश करनी है कि मैं जो है ना वो उस थैले के अंदर घुस जाऊँ और खुद सारे टॉयज निकालूँ। दावर एक बार छोड़ो, जरा देखो कौन सा टॉय अंदर से निकाल के लाता है। क्यूटू ले लो टॉय, ले लो, ले लो टॉयल। अब इसको ना बड़े मुश्किल से पसंद आना है। अब रुक गया है दावर, अब उसे निकाल के दो और बेटा। आज का व्लॉग जो है ना तकरीबन हमारे क्यूटू के नाम ही है। आज हमने इसका आपको शावर भी दिखाया है कि इसको हम कैसे वीक में एक दफ़ा शावर देते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अब एक से दो से भी बढ़ सकता है। और इसकी जो फीड है उसमें मैं देती होती हूँ कोई भी मौसमी फ्रूट, अगर घर में पड़ा है तो उसमें दे दिया। वेजिटेबल्स में कद्दू हो गई, लौकी हो गई, वो तो खैर इतने ज़्यादा ये शौक़ से नहीं खाता जितना ज़्यादा ये फ्रूट्स वगैरह या बीज वगैरह ये शौक से खाता है। तरबूज इसको बहुत पसंद है, तरबूज और उसके बीज वो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये दावर की सारी कलेक्शन, कुछ वो बैग में पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पे है। और इसकी बचपन से आदत रही है, इसने हमेशा प्यार से अपने टॉय से खेला है। कभी ये उन बच्चों में से जो नहीं था जो तोड़ देते हैं फौरन ला के ही दो अभी मार्केट से तोड़ दे, नहीं, इसने बहुत केयर की है हमेशा अपने टॉय से। ऐसे प्यार किया है जैसे कुछ सिबलिंग्स नहीं होते हैं, बल्कि सिबलिंग्स भी लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन ये अपने टॉयस के मामले में बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में कोई बच्चा भी आया हो ना तो दावर को सबसे ज़्यादा अपने टॉयस से होता है कि मेरे टॉयस ना कोई ख़राब करे। और बहुत ज़्यादा टॉयस इसके हमने
दे भी दिए हैं जो ज़रूरतमंद वगैरह थे बच्चों में, इस तरह तकसीम भी कर दिए हैं। और कुछ ये इसके मोस्ट फेवरेट टॉयज हैं। और आगे माशाल्लाह इसका जो पार्टनर है क्यूटू, उसका भी सेम यही हाल है। ये जनाब अभी हम लोग ऊपर आए हैं, दावर अपना प्लेन बना के ऊपर आया था, लेकिन ये कागज़ का प्लेन बना के ऊपर उड़ाने आया था लेकिन वो किसी और की छत पे गिर गया है। ये है जनाब ऊपर का व्यू, आपका पूरा पिंडी तकरीबन कैप्चर होता है, इस्लामाबाद कैप्चर होता है। मैं दिखाती हूँ इसका एरोप्लेन किधर गिरा है। ये जनाब इसका एरोप्लेन पड़ा है कागज़ का बना हुआ। ये हमारे सामने वालों ने देखो कितना बड़ा जो है ना वो सोलर पैनल का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। और मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो सोलर पैनल की तरफ हुए हैं। एक उधर भी लगा हुआ है लेकिन इनका तो बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर किस्म का प्लांट है। जितने मस्जिदों के माशाल्लाह से मीनार आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं ना, उस हिसाब से नमाजी कुछ भी नहीं रह गए। ये देखें हर तरफ तकरीबन मस्जिदों के मीनार हैं और नमाजी उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। रमज़ान में भी बस खुदा याद आता है, उसके बाद तो लोग भूल जाते हैं कि मस्जिद की तरह रुख भी करना है। A few moments later. जनाब अब है रात का टाइम और दावत ने फरमाइश की है जर्दे की, तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। चावल ये मैंने बॉयल करके रखे हैं जो 95% कुक है, 5% इसका अनकुक है, ठीक है, जो दम में गल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैंने 2 ग्लास चावल हैं, 2 ग्लास इसमें चीनी चली गई, ठीक है, और 2 ग्लास ही हमने इसमें पानी डालना है। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाल दिया है ये ज़रदा फूड कलर, ठीक है, और अब इसको 2 बॉयल आने के बाद फिर इसमें चावल डाल के मैंने 30 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आप कुछ भी इसमें मेवे वगैरह जो आपका दिल है, किशमिश हो गई, बादाम हो गए, कोकोनट, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे बेटे को सिंपल पसंद है इसलिए मैं इसमें अब कुछ नहीं आज डाल रही हूँ, ठीक है। और एंड पे जब मैं दम देने लगूँगी, 1 से 2 बॉयल के बाद चावल बॉयल किए ऐड करूंगी, उसके बाद इसमें जब दम देना है 1 से 2 चम्मच दूध ऊपर से डालूंगी और साथ 1 से 2 चम्मच इसमें देसी घी का ऊपर की तरफ डाल के, तो इसको 30 मिनट के लिए कवर करके दम दे देना है। ये देखें जी इस तरह ये 2 जोश आ गए हैं, अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। ये देखें जनाब अब दम पर जाने लगी, ये मैं इस तरह जगह जगह थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी। इससे देसी घी डालने का ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक हो गया। साथ में इसमें चला जाएगा 1 से 2 चम्मच दूध। दूध की रीज़न क्या है, दूध से चावल खिला खिला और सॉफ्ट बनता है, ठीक है। चलें इसको हल्के हाथ से इस तरह मिक्स कर लेंगे और जनाब अब इसको मैं 30 मिनट के लिए दम पे दे रही हूँ, ठीक है। और पहले आपने फ्लेम मीडियम रखनी है, ठीक है, 10 मिनट्स बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है फाइनल लुक हमारे जर्दे की। इसको मैं डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये देखें जी फाइनल, ठीक हो गया। चलें जनाब आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। दुआ में याद रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।